प्रियंका चोपड़ा ने एक बार फिर से खोली बॉलीवुड की काली लेकिन कड़वी सच्चाई। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। बीबीसी की 100 वुमेन लिस्ट में अपनी जगह बनाने के बाद एक इंटरव्यू में बॉलीवुड में होने वाले रंग भेद का प्रियंका चोपड़ा ने जिक्र करते हुए कहा कि मुझे काली बिल्ली और सांवली कहा जाता था, और वो भी उस देश इंडिया में जहाँ लगभग सभी लोग सांवले हैं। तो मुझे लगने लगा था कि मैं सुंदर नहीं हूँ और मुझे दूसरों से ज्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी। इतना ही नहीं, मुझे शूटिंग के दौरान सेट पर घंटों इंतजार करवाया जाता था और फीस भी मेल एक्टर्स की तुलना में काफी कम दी जाती थी। और अब प्रियंका के इस बयान ने एक बार फिर बॉलीवुड पर सवालिया निशान उठा दिया है। वैसे गाइस, आपको प्रियंका चोपड़ा के स्टेटमेंट के बारे में क्या कहना है? क्या आपको भी ये लगता है कि प्रियंका चोपड़ा की बात बिल्कुल ठीक है और बॉलीवुड में भेदभाव होता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।